मैं डॉक्टर नवलदे भारती। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैरेट को डिस्कस किया था, पहली रूट क्रॉप को। आज के लेक्चर में हम लोग रेडिश को डिस्कस करेंगे, लेक्चर 7 में रेडिश को डिस्कस करेंगे। ये हमारी दूसरी रूट क्रॉप है जो हमें कवर करनी है। तो चलिए देख, रेडिश को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर कैसे इसकी जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। रेडिश को बॉटेनिकली रेफनस सटाइवस बोलते हैं, ये इसका बॉटेनिकल नेम है रेफनस सटाइवस। ब्रैसिकेसी फैमिली से रेडिश जो है बिलोंग करती है और इसका क्रोमोसोम या 2N जो है क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 18 है। इंट्रोडक्शन में आते हैं, रेडिश इज ग्रोन फॉर इट्स टेंडर ट्यूबरस रूट। रेडिश को हम लोग इसकी रूट के लिए उगाते हैं, है ना, विच आर ईटन रॉ एज सलाद और एज कुक्ड वेजिटेबल, जिसको कि कच्चा या पका करके दोनों ही तरह से हम इसको जो है खाते हैं। इसका एक यूनिक पंजेंट फ्लेवर होता है, मींस इसमें एक अजीब मतलब जो है पंजेंसी वाला जो एक फ्लेवर होता है वो बिल्कुल अलग है, जो और किसी वेजिटेबल्स में आपको नहीं मिलेगी। और वो फ्लेवर मेनली बिकॉज ऑफ दी सल्फर की वजह से होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेडिश है या अनियन गार्लिक है, इनमें जो एक पंजेंट टाइप का जो फ्लेवर है वो बिकॉज ऑफ दी सल्फर एलिमेंट की वजह से है या तमाम तरह के सल्फर कंपाउंड की वजह से है। इट हैज़ ए कूलिंग इफ़ेक्ट, ये जो है इसका जो रेडिश है ये कूलिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। कॉन्स्टिपेशन को ये रोकती है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ाती है। एक्चुअली ये पूरी तरह से रफेज है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेडिश जो है इम्प्रूव करती है। एक तरह की फाइबर वेजिटेबल है ना, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को रोकती है, एपेटाइट भूख बढ़ाती है और न्यूट्रिशियस है अगर इसकी पत्ती के साथ इसको खाया जाए। हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था या फर्स्ट लेक्चर में कि जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं। यंग लीव्स जो है इसकी की जो है सब्जी के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, मतलब वो पेशेंट जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, उनको जो है रेडिश जो है खाने के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही डायूरेटिक और लक्सेटिव होती है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। तो डायूरेटिव का मतलब जो है कि जो है ये यूरिनरी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करती है, और लैक्सेटिव मतलब कि ये पेट को साफ करना, मतलब जो है ये हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन को भी ये प्रिवेंट करती है। और ये बहुत ही गुड सोर्स है विटामिन सी और तमाम तरह के मिनरल्स का। ओरिजिन की अगर बात की जाए तो रेडिश जो है वो उसका ओरिजिन है यूरोप और एशिया, दोनों ही इसका ओरिजिन सेंटर है, क्योंकि दो तरह की रेडिश होती हैं, एक यूरोपियन टाइप होती है और दूसरी एशियन टाइप होती है। तो जो यूरोपियन टाइप है उसकी ओरिजिन यूरोप है और जो एशियन टाइप है उसकी ओरिजिन एशिया है। और ऐसा माना जाता है कि जो आज की कल्टीवेटेड जो स्पीशीज़ है रेफनस सटाइवस, ये एक वाइल्ड स्पीशीज़ से इवॉल्व हुई है जो कि यूरोप में वीड की कैटेगरी में माना जाता है, वो स्पीशीज़ है रेफनस रेफनिस्ट्रम। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रेफनस रेफनिस्ट्रम ये वाइल्ड स्पीशीज़ है जिससे कि आज की रेडिश या रेफनस सटाइवस स्पीशीज़ इवॉल्व हुई है। तो ये पूछा जाता है कि किस इसका जो वाइल्ड पेरेंट कौन सा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए इसकी बॉटनी की या इसकी बॉटेनिकल फीचर की थोड़ी बात कर लें। रेडिश का प्लांट कैसा होता है, आप सभी लोगों ने रेडिश का प्लांट देखा होगा, मूली कैसा पौधा होता है इसका। ये एक हर्बेशियस पौधा होता है, बिल्कुल जैसा गाजर के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है ना। एनुअल और बाइनियल इसकी लाइफ साइकिल होती है डिपेंडिंग अपॉन दी कल्टीवर, क्योंकि हमने अभी बात की कि कुछ एशियन कल्टीवर्स होते हैं और कुछ यूरोपियन कल्टीवर्स होते हैं। तो जो एशियाटिक टाइप की जो कल्टीवर्स हैं वो एनुअल, उनकी लाइफ साइकिल है, और जो यूरोपियन टाइप के कल्टीवर्स हैं उनकी लाइफ साइकिल बाइनियल टाइप की है, अभी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है इसकी लीव्स कैसी होती हैं, द रोसेट लीव्स। रोसेट का मतलब होता है कि जैसे गुलाब के फूल में गुलाब की जो पेटल्स होती हैं उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको रोसेट बोलते हैं, यानी गुलाब जैसा, रोसेट मतलब गुलाब जैसा। तो मतलब पत्तियों के अरेंजमेंट की यहाँ बात की जा रही है।
तो उसी तरह रेडिश में भी जो इसकी पत्तियां हैं वो एकदम सर्कुलर फॉर्म में रॉसेट की तरह एक ही पॉइंट से अरेंज मतलब निकलती हैं और एकदम रॉसेट की तरह अरेंज रहती हैं। और पत्तियों का जो मॉर्फोलॉजी है या शेप है वो लाइरेट टाइप का है। लाइरेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा मूली का एक पत्ता ध्यान दिया होगा तो जो उसकी लीफ की लमाइना होती है वो एकदम वेवी स्ट्रक्चर की होती है, यानी लहरदार होती है ना, तो उसी को बोलते हैं लाइरेट। तो लीव्स कैसी होती है? लाइरेट होती है, पिनेटिफाइड होती है यानी पिनेट होती है, और साइज़ में वेरी करती है। अगर जो है कुछ में देखे होंगे छोटे पत्ते होते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर ही होते हैं, वो स्मॉल कल्टीवर जिसमें उन रेडिश में होता है जिसमें रूट स्मॉल होती है, और कुछ में आपने देखे होंगे बड़े बड़े पत्ते 45-45 सेंटीमीटर के भी लंबे पत्ते, तो वो लार्ज रूटेड कल्टीवर्स में होते हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये तो इसकी लीफ के बारे में बात हो गई। अब एडिबल पोर्शन क्या है रेडिश का, वो है इसका प्राइमरी रूट, प्राइमरी टैप रूट और हाइपोकोटाइल। प्राइमरी टैप रूट क्या है, आप लोगों को ध्यान होगा कि सीड जर्मिनेशन के समय एक रेडिकल निकलता है और एक प्ल्यूम्यूल निकलता है ना, तो जो रेडिकल होता है एक्चुअली वो है प्राइमरी टैप रूट, वही जो है प्राइमरी टैप रूट बनती है। और एक होता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल इसको आप इमेज से देखिए, इस वाली इमेज में तो आप ध्यान दीजिए, तो देखिए ये जो फर्स्ट वाली इमेज में आप देखिए जो थर्ड वाला सीड से देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन कलर का हाइपोकोटाइल वाला रीजन है, जो ऑरेंज नीचे दिख रहा है ये तो रेडिकल है जो कि प्राइमरी टैप रूट बनाता है। साथ ही साथ कॉटिलिडन से ये डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, कॉटिलिडन से और प्राइमरी टैप रूट के बीच में एक थोड़ा सा छोटा पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और देखिए ये आगे की इमेजेस में ये बड़ा होता जा रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर वाले पर आप फोकस करिए तो, है ना। तो देखिए एकदम लास्ट वाली इमेज में देखिए जब जो प्लांट पूरी तरह जर्मिनेट हो गया, तो देखिए ये सेंटर में ग्रीन कलर का ये हाइपोकोटाइल है और अंडर द ग्राउंड जो है वो प्राइमरी टैप रूट है। तो रेडिश में जो है फूड जो स्टोर होता है वो प्राइमरी टैप रूट में तो होता ही होता है, साथ ही इस हाइपोकोटाइल वाले रीजन में भी स्टोर होता है। तो आप इधर वाली इमेज में देख सकते हैं एकदम लास्ट वाली इमेज में कि देखिए रेडिश में ऊपर की तरफ पेटियोल है, पेटियोल मतलब जो जहाँ पर रेडिश में जो पत्तियाँ होती हैं उसकी, उन पत्तियों की जो डंठल है वो पेटियोल कहलाता है। फिर उसके बाद स्टेम होता है जो जहाँ पर पत्ती और रेडिश की जो रूट का पॉइंट ऑफ जंक्शन है उसको, वो स्टेम बस इतना छोटा सा स्टेम होता है जिसको जनरली हम लोग काट के फेंक देते हैं। उसके बाद फिर रेडिश का जो शोल्डर वाला पोर्शन होता है, जो एकदम ऊपर सर्कुलर वाला पोर्शन होता है जो कभी कभी थोड़ा सा मटमैला कलर में भी दिखता है, वो बेसिकली उतना हाइपोकोटाइल है और बाकी पोर्शन टैप रूट है जो कि पूरा का पूरा एडिबल है, पूरा का पूरा खाया जाता है ना। तो इसमें जो एडिबल पोर्शन है वो रेडिश का सिर्फ प्राइमरी टैप रूट नहीं है बल्कि थोड़ा सा हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन भी है जिसमें कि फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जो है प्राइमरी टैप रूट और हाइपोकोटाइल जो है इसका एडिबल पोर्शन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट फ्लेवर। रेडिश में जो पंजेंसी है, आपने ध्यान दिया होगा कि रेडिश को खाते ही एक अजीब सा फ्लेवर जो फील होता है बहुत तेज सी है, जिसको हम लोग बोलते हैं झार जैसा फ्लेवर आता है, वो एक्चुअली इसमें एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। अगर पूरा नाम देखा जाए तो बोलते हैं 4-methyl-thio-3-butanil-isothiocyanate, है ना। तो ये आप इस नाम को याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रेडिश में जो पंजेंसी होती है वो बिकॉज ऑफ किस कंपाउंड की वजह से होती है, तो याद रखिएगा कि वो आइसोथायोसाइनेट की वजह से रेडिश में पंजेंसी होती है या तीखापन होता है या झारपन होता है। द कलर ऑफ पिंक कल्टीवर, बहुत सारी रेडिश की जो इम्प्रूव्ड वेराइटी जो है अपब्रीड की गई हैं जिसमें कि पिंक कलर के या कलर पिगमेंट भी देखा गया है रेडिश में, जो है ऐसी वैरायटी रिलीज की गई है, तो उसमें बिकॉज ऑफ दी वो जो पिगमेंट है पिंक कलर की जो रेडिश है, यानी रेडिश की जो जड़ है उसमें जो पिंक कलर का एक्यूमुलेशन है वो पिगमेंट का, वो है एंथोसाइनिन पिगमेंट। हम देखेंगे अभी आगे कि कुछ जो है पिंक कलर की भी जो रेडिश होती हैं उनमें पिंक कलर बिकॉज ऑफ दी एंथोसाइनिन होता है। रेडिश का जो फ्लावर होता है वो रेसिमोस टाइप होता है, ठीक है। इसके फ्लावर को हम रेसिमोस टाइप बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने कैरेट में पढ़ा तो कैरेट में अम्बेल टाइप था, लेकिन रेडिश में रेसिमोस टाइप का होता है और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने रेडिश के फ्लावर को देखा ही होगा लगभग। फ्रूट को इसके सिलिक्वा बोलते हैं,
बॉटेनिकली रेडिश के जो फ्रूट है वो क्या होता है, सिलिक्वा, ठीक है, जैसे सरसों का जो फली होती है बिल्कुल वैसे ही रेडिश की भी होती है, तो उसको बॉटेनिकली सिलिक्वा बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है, जनरली ब्रैसिकेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो कोल क्रॉप हो, चाहे वो आपकी ये रेडिश हो, है ना, ये सब जो है इनके फ्रूट आप देखिए तो ये सिलिक्वा कहलाते हैं। फिर उसके बाद और उसी तरह ये सलजम भी, इसका भी फ्रूट जो है सिलिक्वा ही होता है, तो बॉटेनिकली फ्रूट को सिलिक्वा बोलते हैं। सीड्स का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है जब मैच्योर होता है, और जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो रेडिश ब्राउन सरसों की तरह जो है, उस सरसों के जैसे दाने होते हैं बिल्कुल वैसे कलर में बदल जाता है। रेडिश क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, क्योंकि रेडिश में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, मीन्स रेडिश के फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है ये एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए रेडिश में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होता किसकी वजह से है, हनी बी और फ्लाइज, मक्खी और हनी बी जो है इसके पॉलिनेटर हैं या पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ये मैं समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है वेराइटीज़। अब देखिए अभी हम लोगों ने बात की कि ये एनुअल या बाइनियल टाइप की होती है। एनुअल या बाइनियल हम इसी बेस पे कहते हैं कि क्योंकि रेडिश में दो तरह के कल्टीवर्स पाए जाते हैं या दो तरह की वेराइटी देखने को मिलती है, जैसे कैरेट में था बिल्कुल वैसे ही, या तो एशियाटिक टाइप होती है जिसको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टाइप भी बोलते हैं, और दूसरी यूरोपियन या टेम्परेट टाइप की होती है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों ही वेराइटी में क्या अंतर है। जो एशियाटिक टाइप होती है ये एनुअल होती है इसकी लाइफ साइकिल। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये एनुअल टाइप की होती है, इसमें लिखा नहीं है पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि एशियाटिक ट्राइब हैज़ इज़ एनुअल इन नेचर वाइल टेम्परेट टाइप इज बाइनियल इन नेचर। दूसरा है एशियाटिक टाइप प्रोड्यूस सीड्स इन प्लेन्स, ये प्लेन्स में भी सीड इसमें प्रोडक्शन हो जाता है, यानी मैदानी इलाके में भी जो एशियाटिक टाइप की मूली होती है उसमें बीज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, जैसे कैरेट में हम लोगों ने पढ़ा था इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट मीन्स लो टेम्परेचर नहीं चाहिए फ्लावरिंग के लिए, जबकि यूरोपियन टाइप की जो रेडिश हैं अगर उनको यहाँ हम कल्टिवेट करेंगे तो रेडिश तो आएगी, मतलब जड़े मतलब जो है वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी लेकिन फूल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं मिलती। चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब 10 डिग्री से बिलो का टेम्परेचर फॉर 1 मंथ मिलना चाहिए, तो वो प्लेन्स में नहीं हो पाता। कहाँ होता है? हिल्स में, पहाड़ी इलाकों में या यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोपियन कंट्रीज़ में मतलब जहाँ पर या जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए यूरोपियन या टेम्परेट टाइप की जो रेडिश हैं उनको यूरोपियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो टेम्परेट क्लाइमेट में ही मिल पाती है ना। तो इसमें सीड प्रोडक्शन सिर्फ हिल्स में होगा और एशियाटिक टाइप में प्लेन्स में हो जाता है। दूसरा, एशियाटिक ट्राइब जो है स्लो ग्रोइंग होती है, यानी इनकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होती है, जल्दी ग्रो नहीं करती जड़ें, और लंबी जड़ें मतलब 45 से 60 दिन का समय ले लेती हैं, जबकि यूरोपियन और टेम्परेट टाइप की जो रेडिश होती है वो क्विक ग्रोइंग होती है, मतलब बड़ी जल्दी से ग्रो कर जाती है, जड़ें बड़ी जल्दी बढ़ जाती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की, यानी 25 से 30 महीने भर में आपका पौधा हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। एशियाटिक ट्राइब की चौथी क्या खासियत है, वो है रूट्स आर मोर पंजेंट एंड लार्जर साइज। जो जड़ें हैं मतलब जो रेडिश है, मूली है, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, पंजेंट बहुत ज़्यादा होती है ना, और बड़े साइज की होती है, लार्ज साइज की, मोटी और लंबी जड़ें होती हैं, जबकि यूरोपियन टाइप में जो है जो रूट होती है वो अच्छी गुड क्वालिटी मतलब पंजेंसी नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया होगा कुछ रेडिश आपने खाई होगी तो उसमें मिठास सी लगती है, बिल्कुल भी पंजेंसी नहीं होती है, तो वो यूरोपियन टाइप की होती है, ठीक है, लेस कम पंजेंट होती है वो, और साइज में छोटी होती है, स्मॉल साइज की होती है। उसके बाद एशियाटिक और यूरोपियन वेराइटीज़ की अगर बात करें तो एशियाटिक वेराइटीज़ हैं जैसे पूसा देसी, पूसा रेशमी, पूसा चेतकी, ये सब IRI से रिलीज वेराइटी हैं। फिर है पंजाब सफ़ेद, जापानीज़ वाइट, जापानीज़ वाइट यहाँ की नहीं है, ये जो है जापान से यहाँ इंट्रोड्यूस कराई गई है, ठीक है, तो पंजाब सफ़ेद, पंजाब पसंद, ये दोनों वेराइटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज है। अरका निशांत ये IIHR बेंगलोर से जो है रिलीज वेराइटी है। चाइनीज़ पिंक ये भी एग्जोटिक वेराइटी है, चाइना की है। हिसार मूली नंबर 1 ये हिसार एग्रीकल्चर सी जो हिसार में जो यूनिवर्सिटी है CSS,
वहाँ से रिलीज्ड है। कल्याणपुर नंबर 1, ये मूली CSA यूनिवर्सिटी कान जो ये है ना, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर, वहाँ से रिलीज्ड है। कल्याणी वाइट, ठीक है, कोयम्बटूर 1 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। IPVR 1, IPVR 2, ये सारी जो वेराइटीज़ हैं ये सब जो है IIVR से रिलीज्ड है। इसी तरह जौनपुरी मूली आपने देखा होगा, जिसका बहुत लंबी लंबी इसकी जड़ें होती हैं, ये अपने आप में ये एक यूनिक जो है वैरायटी है, जो जौनपुर में ज़्यादा फेमस है, तो उसी उस वैरायटी का नाम ही जौनपुरी मूली है। फिर अर्ली मिनो वाइट, ये भी एक्जोटिक वैरायटी है। तो ये सब एशियाटिक या ट्रॉपिक जो है सब ट्रॉपिकल टाइप, मतलब इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इनका पंजेंट बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे ग्रो करती हैं और इनके बीज आसानी से प्लेन एरिया में या जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इनमें बीज का उत्पादन कर सकते हैं। यूरोपियन टाइप की वेराइटीज़ कौन सी हैं? ये है पूसा हिमानी, IRIS में ये वेराइटी प्रोड्यूस की गई है। व्हाइट आइसिकिल, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट लॉन्ग, सिल्वर क्वीन, है ना, और क्वार्ता, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी गई है। फ्रेंच ब्रेकफास्ट, पालम हृदय। अब देखिए ये जो यूरो ज़्यादा ज़्यादा एशियाटिक टाइप की वैरायटीज़ तो आपने ज़्यादातर देखी है मार्केट में जो आती रहती है, यूरोपियन टाइप की वैरायटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो चलिए इनको इमेजेस इनकी देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका पहली वाली देखिए इमेज, ये है स्कारलेट लॉन्ग, ये टेम्परेट यूरोपियन टाइप की है। देखिए इसमें पिंक कलर की ये रेडिश होती है, लंबी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, मतलब लॉन्ग जो है लेंथ थोड़ी सी लंबी होती है, पर एशियाटिक के टाइप की नहीं होती है, एंथोसाइनिन की वजह से ये पिंक कलर है। दूसरी देखिए स्कारलेट ग्लोब, ये बिल्कुल देखिए जैसे शलजम लग रही है ना, बिल्कुल रेड कलर का यूनिफॉर्म रेड कलर की ये रेडिश है, और एकदम राउंड जो है इसकी ये रूट होती है, लंबी नहीं होती है, इसीलिए इसको नाम है स्कारलेट ग्लोब, ग्लोब जैसा इसका जो है रूट होता है, और इसमें भी एंथोसाइनिन है। उसी तरह देखिए व्हाइट आइसिकिल, कितनी छोटी छोटी सी इसका साइज है। फिर उसके बाद है रैपिड, नेक्स्ट है रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, मतलब टिप का पोर्शन सिर्फ व्हाइट होगा और बाकी सारी रेड हो गया। उसी तरह फ्रेंच बास्केट, ये भी देखिए फ्रेंच बास्केट भी ये जो है पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में, और पूसा हिमानी ये वेराइटी। तो ये सारी जो रेडिश की वेराइटीज़ हैं ये यूरोपियन टाइप है। तो अगर आपको मार्केट में या कहीं भी इस तरह के कलर वाली रेडिश दिख जाती हैं, तो आप तुरंत से समझ जाइएगा कि ये टेम्परेट वेराइटीज़ हैं, यूरोपियन वेराइटीज़ हैं, है ना, और ये लेस पंजेंट ये ज़्यादा नहीं होती, ये फ्लेवर इनका जो है ज़्यादा अच्छा होता है और साइज़ में भी छोटी होती हैं। हाँ, इनका सीड प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता, हिल्स में होगा या टेम्परेट रीजन में होगा। टेम्परेट रीजन या यूरोप, टेम्परेट रीजन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर विंटर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होती हो, या टेम्परेचर जो है बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाए, तो ऐसी कोई भी कंट्री जहाँ पर ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है वो सभी टेम्परेट रीजन कहलाते हैं। तो ज़्यादातर यूरोपियन, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सब टेम्परेट रीजन की कैटेगरी में आती है, और हमारे इंडिया में सिर्फ पहाड़ों पर ये क्लाइमेट मिलता है, इसीलिए इस रेडिश का सीड प्रोडक्शन हम अपने यहाँ पहाड़ पे कर सकते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। अब आइए इसके कल्टीवेशन के लिए हम इसकी देख लेते हैं, इसकी सॉइल और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कैसी है। तो इसके लिए जो सॉइल चाहिए बिल्कुल वैसी ही जैसे कैरेट को चाहिए, अंडरग्राउंड वेजिटेबल क्रॉप है, रूट क्रॉप है, तो रूट को प्रॉपर ग्रो और ग्रो डेवलप करने के लिए सॉइल जो है बहुत ही लाइट टेक्सचर की होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यानी मिट्टी में किसी तरह का रुकावट नहीं होना चाहिए, यानी कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए कि जड़ जब ग्रो करे गहराई में तो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिले, है ना। भी वेल ड्रेन, जल भराव की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन मतलब जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और स्लाइटली एसिडिक होती है, तो ये रेडिश की कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। और pH 5.5 से 6 to 8 के बीच के जो है pH सुटेबल रहता है। अब क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए, ये भी कूल सीजन की क्रॉप है, रेडिश भी जो है कूल सीजन की क्रॉप है, यानी इसको 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है वो इसके लिए सूटेबल है, स्पेशली इन दी वेजिटेटिव स्टेज, बट ड्यू टू इट्स रैपिड ग्रोथ इट हैज़ ए वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन,
इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एरियाज में इसका जो है कल्टीवेशन होता है। अगर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रेडिश का कल्टीवेशन किया जाएगा तो रेडिश में जो है पंजेंसी बढ़ जाती है, यानी उसमें जो तीखापन है रेडिश का वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब ठंड में, बहुत ठंड में जो रेडिश कल्टी होती है तो उसकी जो रूट्स हैं, उसमें जो है पंजेंसी डेवलप नहीं हो पाती है। फिर है लॉन्ग स्पेल ऑफ हॉट ड्राई पीरियड इज नॉट सूटेबल फॉर सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन के लिए, अगर सीड प्रोडक्शन के लिए मूली की खेती कर रहे हैं तो जो है गर्म और सूखा जो है इसके लिए सूटेबल नहीं है, है ना। यानी ठंडा और जो है कॉन्टिन्यूसली मॉइस्ट जो है सॉइल में मॉइस्चर जो है वो बना रहना चाहिए। ये इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, यानी रेडिश हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, स्पेशली एशियाटिक टाइप, पर रूट डेवलप पंजेंसी। वही बात जो मैंने अभी बताई कि लेकिन रूट जो है बहुत ज़्यादा सब उसमें जो है उसके पंजेंट फ्लेवर यानी आइसोथायोसाइनाइड का कंटेंट बढ़ जाता है। तो जो है इसलिए बेटर है कि इसको तभी हार्वेस्ट कर लीजिए जब रूट जो है स्मॉल हो, टेंडर हो। बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर हार्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे मूली बीच में हार्ड हो जाती है, कॉर्की हो जाती है। सीड रेट इसको कितना चाहिए? एशियाटिक वेराइटी के लिए 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर सफिशेंट है, और टेम्परेट वेराइटी है तो 10 से 12 केजी। टेम्परेट वेराइटी को ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो रेडिश होती हैं ये बहुत स्मॉल साइज़ की होती हैं, तो इनको नज़दीक नज़दीक भी क्लोजर स्पेसिंग में 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे बीज बो सकते हैं। तो इसलिए 1 हेक्टेयर में लगाना है तो इसको ज़्यादा बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और एशियाटिक वेराइटी क्योंकि लंबी होती हैं और मोटी होती हैं तो इनको थोड़ा डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है, इसलिए 8 से 10 केजी सीड 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट है। स्पेसिंग कितनी रखेंगे? एशियाटिक और टेम्परेट की अलग अलग है। अगर एशियाटिक वेराइटी है तो 45 सेंटीमीटर जो है रो टू रो रखिए, और प्लांट से प्लांट की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर। और अगर यूरोपियन टाइप की है तो प्लांट टू प्लांट जो है प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो है सॉरी सॉरी अगर जो है एशियाटिक टाइप है तो 45 सेंटीमीटर की जो है रो टू रो डिस्पेंस होगी, और टेम्परेट टाइप है तो 20 से 30 सेंटीमीटर रो टू रो। और अगर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग की बात करना है तो एशियाटिक में हम 6 to 8 सेंटीमीटर की प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखेंगे, और जो है टेम्परेट या यूरोपियन टाइप में 3.5 सेंटीमीटर के बीच की स्पेसिंग रखेंगे, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, है ना। तो क्योंकि ये साइज के ही ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है और कुछ नहीं है। सोइंग टाइम इसका क्या होना जो हो बेस्ट इसका सोइंग टाइम है नॉर्थ इंडिया में, तो ये थ्रू आउट द ईयर हम इसे कल्टीवेट कर सकते हैं, पर हम लोग अपने इधर नॉर्थ में ज़्यादातर हम अगस्त से लेके जनवरी तक ही इसका कल्टीवेशन करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है ना। उसके बाद मार्च से आप देखिए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और ऐसे में अगर रेडिश का हम कल्टीवेशन करते हैं तो रेडिश हमारी बहुत ज़्यादा पंजेंट हो जाती है। तो इसलिए इधर नॉर्थ में, इधर गर्मियों में रेडिश का कल्टीवेशन कम करते हैं, है ना। उसी तरह से यूरोपियन अगर वेराइटी है तो यूरोपियन वेराइटी को तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भाई कूल क्लाइमेट चाहिए, ये हॉट टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो इसलिए इसकी कल्टीवेशन अक्टूबर मार्च में हम शुरू करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मार्केट में जो लेट में जो मूली आती है, जनवरी फरवरी में जो आती है छोटी छोटी सी और नॉन पंजेंट, वो यूरोपियन टाइप है, ये लेट में आती है, क्योंकि ये हम लोग जब इसको अपने यहाँ लगाते हैं, अगर प्लेन में लगाते हैं तो वो जो है हमें जो है हम अक्टूबर अक्टूबर नवंबर से इसकी कल्टीवेशन शुरू करते हैं। और कभी कभी अर्ली भी आती है, आप देखिए तो जो है सितंबर, अगस्त सितंबर में आने लगती है, तो वो समझ लीजिए कि पहाड़ों पर उसका कल्टीवेशन किया गया है, क्योंकि पहाड़ों पर अगस्त सितंबर में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो हो रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन, तो वहाँ से कल्टीवेशन हो करके वो यहाँ तक आती है ना। तो टेम्परेचर वाइज ये वेरी करता है, अगर बहुत अगर लो टेम्परेचर है अच्छा खासा तो यूरोपियन टाइप का कल्टीवेशन किया जा सकता है, और विद इन अ मंथ ये तैयार हो जाती हैं, 1 महीने के अंदर हार्वेस्ट हो जाती हैं। साउथ इंडिया की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर तो बताया मैंने कि 15 से 30 के बीच में टेम्परेचर ईयर राउंड साल भर इसी रेंज में टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसलिए वहाँ पर यूरोपियन और टेम्परेट टाइप जो या एशियाटिक टाइप दोनों ही तरह की रेडिश को ईयर राउंड उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं।
पहाड़ों पर रेडिश को मार्च से अक्टूबर, हमने बताया मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि पहाड़ों पर मई जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी नहीं पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है, तो वहाँ पर आसानी से जो है समर्स में भी वहाँ पर हिल्स में इसकी कल्टीवेशन हो जाता है। तो ओवरऑल देखिए तो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक और हिल्स में हम अपनी कंट्री में ईयर राउंड रेडिश का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं लेते रहते हैं। उसके बाद है मेथड ऑफ सोइंग, बुआई इसकी कैसे होंगी, तो इसको भी एकदम कैरेट की ही तरह या तो रिज या फरो बना करके या तो फ्रेल फ्लैट बेड में, अगर सॉइल जो है हमारी सैंडी है लाइट सॉइल है तो फ्लैट बेड ही सफिशेंट है, लेकिन अगर थोड़ी कॉम्पैक्ट है सॉइल या इरिगेशन करने पर बहुत जल्दी एरेशन खत्म हो जाता है तो हम रिजेज या फरो बना करके कल्टीवेशन करेंगे। रिजेज और फरो बनाने से ये भी फायदा होता है कि बाई चांस ओवर इरिगेशन हो जाए या पानी की वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी जो रेडिश है वो क्रॉप जो है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, सॉइल जो है सोइंग डेप्थ, अब आपने अगर रिज बनाया है या फ्लैट बेड बनाया है तो उसमें जो है आप लाइन सोइंग करेंगे उसके ऊपर, तो फरो बनाएंगे मतलब एक लाइन रिज के ऊपर दोनों तरफ साइड में उंगली से या किसी लकड़ी की मदद से आप 1.5 से 3 सेंटीमीटर लाइन गहरी लाइन बना करके और उसमें बीज को बो देंगे। तो बीज जो है वो बहुत नज़दीक नज़दीक नहीं होना चाहिए, हमने देखा कि स्पेसिंग अगर यूरोपियन टाइप की है तो 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे बीज गिरने चाहिए और अगर एशियाटिक टाइप है तो 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस तरह से हम जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज को डाल के और मिट्टी से ढक देंगे। अगर रिज है तो रिज के एक रिज अगर एक रिज है तो एक रिज के दोनों तरफ दो रो में हमें जो है सोइंग करनी चाहिए, तो इससे क्या होगा हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इरिगेशन की अब बात आती है, तो इरिगेशन के लिए कॉन्टिन्यूस सॉइल में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, है ना, तो जो है इसलिए सोइंग के बाद इरिगेट कर दीजिए इमिडिएटली। अगर सॉइल में मॉइस्चर है सोइंग के समय तो तुरंत इरिगेट नहीं करना है, जब हमारा बीज जर्मिनेट कर जाए उसके बाद हम इरिगेशन करेंगे। फिर भी क्रॉप को 6 से 7 दिन पे एक बार मतलब वीकली इंटरवल पे इरिगेट करना ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन। अगर बारिश हो जा रही है तो नहीं, लेकिन अगर मिट्टी हमारी ड्राई होने वाली है तो हमें इरिगेट कर देना है। मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं होने देना है बहुत ज़्यादा, मीन्स कि बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सूख जाएगी मिट्टी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो रूट जो है वो ग्रो नहीं करेगी और काफ़ी हार्ड हो जाएगी, टफ हो जाएगी, मीन्स उसके अंदर रूट के अंदर जो है टेंडरनेस खत्म हो जाएगा, लचीलापन खत्म हो जाएगा और बीच में वो कॉर्की होने लगेगी और पंजेंसी भी बढ़ जाती है, यानी उसका तीखापन भी बढ़ जाता है और फिर वो मार्केटेबल नहीं है, मार्केट में उसको उसका रेट आपको नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इंटरकल्चर ऑपरेशन। इंटरकल्चर मतलब सोइंग के बाद आप और क्या क्या करेंगे, तो इसमें है कि एज इट ग्रो इन साइज, जैसे जैसे रेडिश का साइज बढ़ता जाता है ना, तो वो क्या होती है कि उसमें देखिए तो जड़ें जो है ज़मीन के बाहर आने लगती हैं, तो ज़मीन के बाहर आने लगेंगी तो ऊपर देखिए जितना मूली की जो हिस्सा ज़मीन का जो बाहर आ जाता है तो आप देखिए ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल, उसमें जड़ें जो हैं वो उनका जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में बदल करके क्लोरोफिल जनरेट करने लगता है ना, तो इसीलिए हमें जड़ों को उन जो है ढकते रहना है। तो इसीलिए जो है हमें जैसे ही रूट ग्रो करने लगते हैं तो हमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, यानी अर्थिंग अप करनी पड़ती है और साथ ही साथ वीडिंग करते चलते हैं, तो जिससे रूट का जो डेवलपमेंट है वो और प्रॉपर होता है। फिर नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवर रूट विल बी रेडी फॉर हार्वेस्ट इन 25 to 55 days, 25 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। अब 25 से 55 दिन अलग अलग कल्टीवर के लिए, अगर यूरोपियन वेराइटी है या टेम्परेट वेराइटी है तो 25 से 30 दिन में ये रेडी हो जाती है हार्वेस्ट के लिए, लेकिन एशियाटिक टाइप है तो 45 days के बाद ही हार्वेस्टिंग के लिए वो रेडी होगी। अगर बहुत हार्वेस्टिंग आप डिले कर देंगे तो रूट विल बिकम बिटर एंड पिथी, मतलब कड़वी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी, मतलब पंजेंट हो जाएगी और पिथी, पिथी मतलब सेंटर में आप देखिए तो जो है पिथीनेस डेवलप हो जाता है, नहीं थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो करके और थोड़ी हार्ड जो है हो जाती है। और हार्वेस्टिंग जो है मैनुअली करते हैं और बेहतर हो कि सॉइल मॉइस्ट रहे, है ना, तो जड़ों को खींचने में जो है आसानी रहती है, तो थोड़ी सी मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, बहुत सूखी मिट्टी हो तभी हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद रूट्स को अच्छी तरह धुल करके उसका बंडल बना करके और फिर
लीफ के साथ या लीफ को हटा करके आप मार्केटिंग के लिए जो है उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर देंगे। फिर ईल्ड की बात आती है, तो अब देखिए यूरोपियन और एशियाटिक दोनों की ईल्ड डिफरेंट होती है। जैसे कैरेट में यूरोपियन वेराइटी है तो उसकी ईल्ड होगी 5 to 7 tons पर हेक्टेयर, कम होती है ईल्ड। जबकि इंडियन कल्टीवर, इंडियन मतलब एशियाटिक या ट्रॉपिकल कल्टीवर, तो उसकी ईल्ड जो है 15 to 20 tons पर हेक्टेयर, क्योंकि ये जो रेडिश है इसका साइज जो है वो बड़ा होता है। फिर और अगर आप स्टोर करना चाहते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो 2 to 3 days के लिए रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। और स्टोरेज में करना चाहते हैं तो 2 months तक आप इसको 0 degree centigrade पे और 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आप 2 months तक के लिए रेडिश को स्टोर कर सकते हैं। पेस्ट और डिजीज़ की अगर बात करें तो इसमें जो है अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज़ ये कॉमन है। अल्टरनेरिया रैफनम एक फंगस है, उससे होता है ये ब्लाइट की प्रॉब्लम है, मतलब झुलसा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये वाइट रस्ट ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम का जो फंगस है उसकी वजह से होती है। इसमें पत्ती के दोनों सरफेस पर और स्टेम पर आप देखेंगे वाइट कलर का पाउडर लाइफ टाइप का सब्सटेंस या जो है वो जो है डेवलप हो जाता है ना। तो ये लीफ पे भी पाया जाता है, फूल पर भी, स्टेम पर भी, सब तरह से। और धीरे धीरे पत्तियां जो है आप देखेंगे मोटी हो जाती हैं और मेलफॉर्म्ड फ्लावर और लीफ सब कुछ मेलफॉर्म्ड हो जाते हैं, शेप बिगड़ जाता है। तो इसके लिए बेहतर हो कि आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करें या फिर रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो करें, जैसे कि अर्का निशांत है। अर्का निशांत जो है वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट वेराइटी है। तो ये ऑल अबाउट जो है रेडिश है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप जो है इसको हमसे पूछिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बीट रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।